वो महज 32 साल तक जिए। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम किया। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने देश के इस छोर से उस छोर की यात्रा की, तमाम लोगों से डिबेट की और जन्म दिया एक महान दर्शन को, उपनिषदों के समंदर से अद्वैत जैसा दर्शन मथा। मैं बात कर रही हूँ शंकराचार्य की। ये नाम इन दिनों आपने कई बार सुना होगा। आज ये पदवी है, लेकिन हजारों साल पहले भारत में पैदा हुए थे पहले शंकराचार्य, जिन्होंने न केवल हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया बल्कि चार मठों की स्थापना भी की। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे ऊंची अथॉरिटी माने जाते हैं, इतना शायद आपको पता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे पड़ा इस पद का ये नाम? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आसान भाषा में। इस आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है, जिसके बाद रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच बयानों कयासों का दौर भी जारी है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। शंकराचार्य के आने ना आने को लेकर काफ़ी खबरें बन रही हैं, तो हमने सोचा आज आपको आसान भाषा में समझाएं आदि शंकराचार्य कौन थे, शंकराचार्य कैसे बनते हैं, हिंदू या सनातन धर्म में इनका क्या स्थान है, क्या महत्व है, ये सब जानेंगे आज आसान भाषा में। हालांकि शुरुआत से पहले बता दें, इस मौके पर कुकू FM ऐप लाए हैं एक विशेष पेशकश, रामकथा। ब्रजेश हीर जी की मनमोहक आवाज़ में आप सुन सकते हैं भगवान राम की कहानी कहीं भी किसी भी वक्त, वो भी एकदम रामलीला की तर्ज पर, और सीख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से। आपको बता दें कि कुकू FM एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू FM पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया एक स्पेशल ऑफर, महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा LT50 कोड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बालक शंकर से शंकराचार्य तक के सफर से। केरला के कलाड़ी में नम्बूदुरीपाद ब्राह्मणों की बसाहट थी। इन्हीं में एक विद्वान थे, नाम था शिवगुरु। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया शंकर या बालक शंकर। बालक शंकर बचपन से कुछ अलग तरह के थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनकी प्रतिभा सामने आ रही थी। कहा जाता है कि 3-4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी भाषा मलयालम सीख ली, वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर आया एक मुश्किल समय जब बालक शंकर के पिता की मौत हो गई। इसके बाद माँ उनका पालन पोषण करने लगी। शंकर 5 साल के थे तब उनका उपनयन संस्कार, जिसे आम भाषा में जनेऊ कहा जाता है, वो हुआ और माँ ने उन्हें शिक्षा लेने गुरु के पास भेज दिया। यहाँ गुरुकुल में आने के बाद बालक शंकर विद्या सीखने लगे, पर जिस शिक्षा को लेने में अन्य लोगों को 20 साल लग जाते थे, बालक शंकर ने उसे 2 साल में पूरा कर लिया। ये पहली बार था जब दुनिया उनके ज्ञान से परिचित हो रही थी। शिक्षा पूरी करने के बाद बालक शंकर वापस माँ के पास कलाड़ी लौटे। इस समय की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं तब पूर्णा नदी, जिसे आज पेरियार नदी कहा जाता है, कलाड़ी से बहुत दूर बहती थी। बालक शंकर की माँ को पानी भरने बहुत दूर जाना पड़ता था। परंपरा में माना जाता है बालक शंकर ने भगवान से प्रार्थना की और तब से पूर्णा नदी कलाड़ी के पास से बहती है। वापस आते हैं बालक शंकर के जीवन पर। माँ के साथ बालक शंकर के दिन बीत रहे थे। एक दिन अगस्त्य मुनि उनके घर आए। उन्होंने माँ को बताया कि बालक शंकर होंगे तो तेजस्वी, पर उनकी उम्र 32 साल से ज़्यादा नहीं है। माँ सुनकर बहुत दुखी हो गईं। धीरे धीरे बालक शंकर का मन संसार से हट रहा था, उनमें संन्यास लेने की इच्छा प्रबल हो रही थी, पर माँ उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। एक दिन बालक शंकर नदी में नहा रहे थे, तभी एक घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया। माँ उन्हें बचाने के लिए चिल्लाने लगी। इसी समय बालक शंकर ने माँ से कहा कि अगर वो उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे तो एक घड़ियाल उनका पैर छोड़ देगा। माँ इस बात से काफ़ी हैरान रह गई, पर बेटी की जान की खातिर उन्होंने संन्यास लेने की अनुमति दे दी और इस तरह बालक शंकर अब शंकराचार्य बनने की राह पर आगे बढ़ चले। जाते जाते माँ ने उनसे कहा कि उनकी एक इच्छा है कि जब भी उनकी मृत्यु हो उनका अंतिम संस्कार शंकर ही करें। शंकर ने माँ से वादा किया और निकल पड़े संन्यास के रास्ते पर। ऐसा माना जाता है कि घर छोड़ने के बाद शंकर कलाड़ी से तुंगभद्रा की ओर गए, फिर वहाँ से श्रृंगेरी से गोकर्ण और फिर वहाँ से ओंकारेश्वर पहुँचे। यहाँ गुरु गोविंदपाद का आश्रम था, जो कि एक सिद्ध ऋषि थे। बालक शंकर उनके पास गए। उन्होंने शंकर से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ बालक शंकर ने जो जवाब दिया उसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बालक शंकर कहते हैं, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना जल हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, ना ही उनके गुण हूँ, ना इंद्रियाँ हूँ, बल्कि जो परम तत्व है, चैतन्य है, मैं वही हूँ।
इस तरह के जवाब सुन महर्षि गोविंदपाद बालक शंकर से काफी प्रभावित हो गए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं उन्हें नया नाम शंकराचार्य मिला, इसलिए यहाँ से आगे हम भी उन्हें शंकराचार्य ही कहेंगे। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य सभी शास्त्रों को जान चुके थे, पर वो ज्ञानी हैं या नहीं इसकी असली परीक्षा एक ही जगह हो सकती थी, काशी। वही काशी जिसे आज बनारस या वाराणसी कहा जाता है। शंकराचार्य इसके लिए काशी आए, यहाँ कई लोग उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, पर अभी परीक्षा बाकी थी। कहानी कहती है कि एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तभी एक तथाकथित छोटी जाति का व्यक्ति जो कि शमशान में लाश जलाने का काम करता था, वो शंकराचार्य का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही उनके शिष्यों ने कहा कि आचार्य से दूर हट जाओ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा, जब आप कहते हैं कि परम तत्व सभी में एक है, सबके अंदर ब्रह्म तत्व है, फिर आप मुझे दूर होने को क्यों कह रहे हैं? क्या आप ब्राह्मण हो और मैं चांडाल हूँ इसलिए? शंकराचार्य को अनुभव हुआ कि व्यक्ति का तर्क काटने लायक नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों समेत उस व्यक्ति को प्रणाम किया। ये थी बालक शंकर के शंकराचार्य बनने की कहानी। अब आसान भाषा में आगे समझते हैं कि उन्होंने किन मठों की स्थापना की और कौन से ग्रंथ लिखे। काशी में शंकराचार्य ने तय किया कि वे महर्षि व्यास के ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों को आम लोगों के समझने के लिए किताब लिखेंगे। इस किताब को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इसके बाद शंकराचार्य काशी से बद्रीनाथ के लिए निकले। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया। फिर वो वहीं व्यास गुफा में रहने लगे। यहाँ रहने के दौरान उन्होंने भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी पर प्रार्थना की रचना की। इसके अलावा उन्होंने वेदांत से संबंधित कई छोटे ग्रंथ लिखे, जिससे आम लोगों तक उनकी भाषा में ग्रंथ पहुँचने लगे। इन्हें प्रकरण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के जीवन में बहुत सी दिलचस्प घटनाएं घटी, लेकिन एक के जिक्र के बिना कहानी अधूरी रहेगी। शंकराचार्य के वक्त में एक जाने माने विद्वान हुआ करते थे, नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र महिषी में रहते थे, यानी आज के बिहार का सहरसा जिला। उनकी पत्नी उभय भारती भी एक विद्वान महिला थी। कहानियाँ कहती हैं कि मंडन मिश्र इस कदर विद्वान थे कि उनका तोता भी संस्कृत के श्लोक बताता था। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच एक डिबेट का किस्सा है। शंकराचार्य एक सन्यासी थे, जबकि मंडन मिश्र एक गृहस्थ। दोनों के बीच शास्त्रार्थ का विषय भी यही था कि वेदों में लिखे हुए कर्मकांड उचित हैं या उपनिषदों में लिखी बातें। दोनों के बीच ये तय हुआ कि अगर शास्त्रार्थ में शंकराचार्य हार जाते हैं तो वो सन्यास का त्याग कर देंगे, वहीं अगर मंडन मिश्र हार गए तो वो गृहस्थ जीवन को त्याग सन्यास ले लेंगे। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। माना जाता है ये शास्त्रार्थ 42 दिनों तक चला। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से अपनी हार मान ली, यानी शर्त के अनुसार उन्हें संन्यास लेना था। लेकिन इतने में उभय भारती आई। उन्होंने कहा, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ, अभी आपने आधे को ही हराया है, मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना होगा। हालांकि 21वें दिन भारती को ये लगने लगा कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उन्होंने शंकराचार्य से कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल था। सवाल था, काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसे संतान कैसे पैदा होती है। अब शंकराचार्य ठहरे सन्यासी, इसलिए उन्हें कामशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। शंकराचार्य ने भारती से जवाब के लिए 6 महीने का समय मांगा। कहा जाता है इस सवाल का जवाब जानने के लिए शंकराचार्य ने 6 महीने कोशिश की। इसके बाद उन्होंने फिर भारती से शास्त्रार्थ कर उनके सवाल का जवाब दिया और उन्हें पराजित किया। अंत में मंडन मिश्र और भारती दोनों शंकराचार्य के शिष्य बन गए। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान ये माना जाता है कि उन्होंने 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। हिंदू धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। पहले आपको बता देते हैं मठ कौन से हैं। पहला है गोवर्धन मठ, जो ओडिशा के पुरी में स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। दूसरा मठ है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती। तीसरा नाम है उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वर। अभी आपने चारों मठों के बारे में सुना। चारों के अपने शंकराचार्य हैं, जो असल में नाम नहीं एक पदवी है। सनातन या हिंदू धर्म में शंकराचार्य का वही स्थान है जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा या क्रिश्चियनिटी में पोप का है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं। और ये पद बना कैसे? जो पहले शंकराचार्य थे, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है,
उन्होंने सबसे पहले चार मठों के पीठाधीश्वर नियुक्त किए थे। इसके बाद वो केदारनाथ चले गए। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास समाधि ले ली। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद से उनके बनाए हुए मठों में आज तक शंकराचार्य की परंपरा जारी है। अब जानिए कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति तन मन से पवित्र हो। उसके लिए जरूरी हो कि वो चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। शंकराचार्य पदवी के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को शंकराचार्य के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मोहर लेनी जरूरी होती है। इसके बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। शंकराचार्य और उनके मठों की परंपरा को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की आदि शंकराचार्य पर किताब लिखने वाले पवन कुमार वर्मा से। सुनिए उन्हें। आदि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया था। वो केरला में कलाडी में पैदा हुए थे और उन्होंने समाधि केदारनाथ में ली और पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और खास तौर से विशेष तौर पर जो अद्वैत जो प्रणाली है हिंदू दार्शनिक सोच की, उसका विस्तार किया। और इसके करने में जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया, उससे हिंदू दार्शनिक स्तर पर जो पुनर्जीवित हुआ। एक स्तर होता है जब आप कर्म कांड क्रिया कांड में लगे हैं, रिचुअल में लगे हैं, तो दार्शनिक थे और उनका यही एक सर्वोच्च कंट्रीब्यूशन था। इसको करने में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और 4 जगह मठ स्थापित किए। एक श्रृंगेरी में दक्षिण में, एक पश्चिम में द्वारका में, एक जोशी मठ में उत्तर में और एक पुरी में पूर्वी तट पर। अब आप देखेंगे तो ये भारत का सिविलाइजेशनल नक्शा है। जबकि अंग्रेज कहते थे कि हमने आकर के भारत जो है आज वो 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 बनाया है, ये 8वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा था। उन मठ के पीछे आदि शंकराचार्य का लक्ष्य ये था कि एक सुनियोजित संस्थाएं बन जो कि हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन को जीवित रख सके अध्ययन के द्वारा। और उन्होंने अपने चुनिंदा, अपने जो कुछ शिष्य थे जो उनके साथ इस पूरी यात्रा पे थे, उनको अलग अलग मठ का शंकराचार्य बनाया, यानी मठ का जो एक हेड होता है वो बनाया था। अब वो परंपरा चली आ रही है और ये कोई, जहां तक मुझे मालूम है, मैं हर चारों मठ में गया हूँ, चारों आदि शंकराचार्य से मिला हूं जब इस किताब का मैं परशोध कर रहा था, कोई सार्वजनिक चुनाव की तो प्रणाली है नहीं। मठ में ही किसी को चुन करके आदि शंकराचार्य नहीं तो शंकराचार्य घोषित किया जाता है। अब शंकराचार्य जो हैं वो एक महत्वपूर्ण मठ के हेड भी हैं, पर वो पोप नहीं है, ये समझना जरूरी है। यानी वो जो कहें हिंदू धर्म पर या हिंदू दर्शन पर, वो बाध्य नहीं, उनकी सोच हो सकती है और वो पूजनीय भी है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि हिंदू दर्शन में
कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक मंदिर ही नहीं है, कोई एक पोप ही नहीं है, कोई एक 10 कमांडमेंट्स जैसे बाइबल में है वो भी नहीं लिखे गए हैं। एक स्तर पर वो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच है और दूसरे स्तर पर सनातन धर्म एक जीवन शैली है। आप मंदिर जाएं न जाएं, आप घर पे पूजा करें ना हो, नास्तिक भी हो, आखिरकार चार्वाक जो प्रणाली है वो कहती है कि वेद जो है वो झूठ है और वेद को तो श्रुति माना जाता है पर वो असत्य है और फिर भी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। तांत्रिक प्रणाली है वो बाकी हिंदू मुख्य धारा से अलग है पर फिर भी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो वो उनकी ये एक एक ये उनकी हैसियत नहीं है कि वो ये कह सके कि यही सच है और यही गलत है और हर हिंदू को उसका पालन करना जरूरी है। पर वो एक परंपरा जो आदि शंकराचार्य ने बनाई थी चार मठों की वो आज भी जीवित है और उनके अंदरूनी स्तर पर शंकराचार्य नियुक्त हुए। शंकराचार्य करते क्या हैं? जैसा हमने आपको पहले बताया, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे ऊंची अथॉरिटी माने जाते हैं। धर्म से जुड़े किसी विषय में शंका या विवाद होने की स्थिति में शंकराचार्य की बात आखिरी मानी जाती है। इसके अलावा अपने मठों के अंदर आने वाले सभी धार्मिक संस्थान भी शंकराचार्य की देखरेख में ऑपरेट करते हैं। अंत में ट्रिविया के लिए एक और बात बताते हुए चलते हैं। शंकराचार्य ये नाम भारत के एक लैंडमार्क केस से भी जुड़ा हुआ है। बात है 1973 की। जगह थी भारत का केरला राज्य। राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। सी अच्युत मेनन मुख्यमंत्री थे। मेनन की कम्युनिस्ट सरकार 1969 में भूमि सुधार माने लैंड रिफॉर्म बिल लाई थी। इस बिल की वजह से केरला के एक मठ पर असर पड़ सकता था। नाम था एडनीर मठ, जिसे एडनीरू मठ भी कहा जाता है। फिर इस मठ के शंकराचार्य ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इसमें कानूनी पेचों को हटा दे तो कुल जमा फैसला ये आया था कि सरकार यानी संसद के पास संविधान संशोधन करने के लिए असीमित शक्तियां नहीं हैं। सरकार चाहे तो भी संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप चेक कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।